हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ श्रवण। स्वागत है आपका आदित्य एल्बम एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करना हुआ आसान, तो दोस्तों आसान करने के लिए मैं आपके साथ कोई शॉर्टकट शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपकी वेडिंग एल्बम डिज़ाइन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे शॉर्टकट पता हो जाएंगे और आप वेडिंग एल्बम डिज़ाइन आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने जो PSD ओपन कर रखी है, उस PSD में अपन देखते हैं कि फोटो फिल कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ फोटोज को फिल करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर इस वाले लेयर को मैंने सेलेक्ट करा और इस फोटो को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करता जा रहा हूँ, फोटो फील होते जा रहे हैं। देखिए इसको सेलेक्ट करूँगा, जो अदर सॉफ्टवेयर से जो काम करते हैं उस तरह से आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो भी फ़ोटो आपको फील करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ऑटोमेटिक फील होता जाएगा। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको सीखना है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, जिससे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको कैसे मैजिक PSD बनती है, ऐसी PSD आप बना लें जिससे कि आपको वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग करने में आसानी होगी, तो ये PSD बनाना मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इस वाली को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक तो फ़ोटो फिल करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, एक तो वो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये, जैसे ही मैंने कोई यहाँ पर एक शेप क्रिएट करा, देखिए यहाँ पर एक शेप क्रिएट करा, अब इसकी जो डुप्लीकेट बनानी है तो बहुत सारे क्या करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे कर सकते हो या फिर अल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब दोनों की अगर डुप्लीकेट बनानी है तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एक को फर्स्ट को सेलेक्ट करा, शिफ्ट का बटन प्रेस करा, सेकंड को सेलेक्ट करा, अल्ट का बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। चारों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस रखेंगे और चारों को सेलेक्ट कर देंगे, जैसे भी आपको सेट करना है। देखें इस तरह से ये वाला शेप जो सेलेक्ट नहीं हुआ था, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए या तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें, ये देखिए, और कंट्रोल टी कर दें, जिससे कि ये सारे शेप आपके सामने सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए और इसके अलावा आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ पर क्लिक कर दो, सारे शेप आपके सेलेक्ट हो जाएंगे और इनको आप कहीं भी ले जा सकते हो। और इसके बाद में देखिए इसमें फ़ोटो फिल कैसे करना है, जैसे मैंने इसको राइट क्लिक करा और शेप को सेलेक्ट करा, कोई भी इमेज जैसे मेरे को इसमें फिल करना है तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पर जो लेयर है अपनी, लेयर और अपना शेप, उसके बीच में अल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसके बीच में इस टाइप का जो निशान आपको दिखेगा, ऐसा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो इमेज उसमें फील हो जाएगी। देखो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए फ़ोटो को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करने से क्या होगा, फ़ोटो फील हो जाएगा। देखो दो तरीके ये हैं और एक तरीका जो मैजिक PSD के थ्रू, वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। तो इसके बाद में देखिए, जैसे एक और प्रॉब्लम रहती है कि जैसे PNG कोई भी है आपके पास, उसका अगर कोई कलर आपको चेंज करना है, जैसे ब्लैक कलर है, अगर मैं इसको डायरेक्ट चेंज करता हूँ तो ये नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर ब्लैंक लेयर ली और यहाँ पर कोई भी कलर मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देखिए कलर फिल करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको मास्क कर देंगे इसके अंदर। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये कलर फील हो गया। अब आपको जो भी इस कलर को चेंज करना है, जैसे भी कलर आपको चेंज करना है, यहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ आपको कलर को फील करना है, PNG हो, वेक्टर हो, उसमें आप आसानी से फील कर सकते हो। इसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक है आपका, देखो यहाँ पर मैं आपको लेयर स्टाइल जो है कॉपी करना बताऊँगा। यहाँ पर देखिए
जैसे मेरे को इसको कुछ भी स्ट्रोक दे दी, मान लीजिए स्ट्रोक दे दी, इसमें कुछ भी इनर शेडो वगैरह ऐड कर लिया, जो भी अपने को करना है एम्बॉसिंग कर ली, जो भी करना हो आप कर लो, इसमें सेट कर लिया। अब यही मेरे को स्ट्रोक सभी जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कॉपी लेयर स्टाइल, ठीक है, कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ तो पेस्ट लेयर स्टाइल कर देता हूँ। देखो देखिए जहाँ पर भी आप पेस्ट करेंगे वो पेस्ट होती जाएगी, इस तरह से आप लेयर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम आपने एक में इमेज में जो कार्य करा है, जो भी काम करा है आपने, वही चीज़ अगर आपको सभी पे अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मान लो इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वापस सिर्फ आपको पेस्ट करना है बस, जिससे कि आपकी सेम जो भी आपने एडजस्टमेंट उसमें करा वो एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा सारी लेयर में जो हमने शेप बनाए थे उसके अंदर। देखिए देखिए ब्रश के बारे में हम बात करते हैं तो ब्रश को इजीली अपन कैसे यूज़ करेंगे। देखिए बहुत सारे ब्रश को कैसे यूज़ करते हैं कि मान लीजिए मेरे को ब्रश को यूज़ करना है, इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को छोटा, कोष्ठक को छोटा या बड़ा करेंगे, ठीक है, और अगर इसकी हार्डनेस को अगर कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से करेंगे, ठीक है, और इसके साइज़ को भी अगर कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से करेंगे। और अगर आपको शॉर्टकट तरीका कोई सीखना है तो शॉर्टकट तरीका मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे ही मैं अल्ट का बटन प्रेस करूँगा और राइट और लेफ्ट की तरफ जाऊँगा तो इसकी साइज़ कम ज़्यादा होगी, और अगर नीचे की तरफ लाऊँगा तो हार्डनेस बढ़ेगी और ऊपर की तरफ जाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। इस तरह से अपन ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक है कि जो फर्स्ट में हमने बनाई थी, क्या बनाई थी, मैजिक पीएचडी, तो वो मैजिक पीएचडी कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पीएचडी है, कोई भी पीएचडी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिए दूसरी कोई पीएचडी ओपन कर लेता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने ये पीएचडी ओपन कर ली, अभी अगर मैं इसको क्लिक करके अगर कोई फ़ोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो फील नहीं होगा, देखिए, परंतु अगर आपको मैजिक पीएचडी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से अपन यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से कर देंगे फ्रेम फ्रॉम लेयर। देखिए फ्रेम फ्रॉम लेयर करने के बाद में देखिए इस वाले फ़ोटो को मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, एक तरीका तो ये होगा। और अगर आप खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे कोई क्रिएट करना है नया शेप, तो यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है फ्रेम टूल दिया हुआ, फ्रेम टूल को मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और अब ये देखिए यहाँ पर इस फोटो को मैं फिल करता हूँ, देखिए आसानी से फिल हो जाएगा। इस तरह से आप फ्रेम टूल से बना सकते हो और यहाँ पर लेयर पैनल में जाकर भी इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बहुत ही आसान तरीका है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।